हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है मॉस्किटो। आप सभी लोग जानते होंगे मॉस्किटो के बारे में। सो हमारे TGT और PGT के एग्जाम्स में हर बार कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। फाइलम आर्थ्रोपोडा से हमारे मॉस्किटो बिलोंग करते हैं। क्लास इनको इंसेक्टा में रखा गया है। ऑर्डर होता है डाइप्टेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मॉस्किटो इज अ टू विंग इंसेक्ट, यानी कि दो विंग्ड होते हैं इनके पास, ऐसे इंसेक्ट हैं ये। कॉमन जनेरा जो है मॉस्किटो के, यानी कि इनके जो कॉमन जनेरा है मॉस्किटो के, वो कौन कौन से हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए नोट करते चल रहे हैं एक पॉइंट को। क्यूलेक्स, एडीज, एनोफ्लीज, ये तीन जनेरा मॉस्किटो के हैं, बहुत ही कॉमन से जनेरा हैं, इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं ये ब्लड शकर ऑफ वर्टिब्रेट्स। एक बात याद रखना कि जो फीमेल का वर्टिब्रेट्स का जो ब्लड शक करते हैं वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो होंगी। मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट जूस पर फीड करते हैं, वर्टिब्रेट्स का ब्लड शक नहीं करते हैं। इसके लिए रीज़न है क्योंकि उनका एडेप्टेशन, यानी कि कुछ माउथ पार्ट उनमें एब्सेंट रहते हैं, जिस वजह से वो वर्टिब्रेट्स का खून शक नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फीमेल मॉस्किटो समझ में आ गए तो आपको, कि फीमेल मॉस्किटो क्या करते हैं, यही ब्लड शक करते हैं। मेल मॉस्किटो ब्लड शक नहीं करते, ये सिर्फ प्लांट जूस पर रहकर ही फीड करते हैं। जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं। भाई एक बात बताइए, हमारे अंदर जाकर तो ये ब्लड शक नहीं करते हैं, हमारे स्किन पर बैठते हैं तो अपने एंटीना की हेल्प से ब्लड को शक करते हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं जो बाहर रहकर सर्वाइव करते हैं ना किसी होस्ट के ऊपर, उन्हें कहा जाता है एक्टोपैरासाइट, जिन्हें कि हम संगीवोरस भी कहा जाता है। संगीवोरस वो होते हैं जो कि ब्लड को शक करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, संगीवोरस होते हैं फीमेल मॉस्किटो। एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडिएट होस्ट, एक मतलब बीमारी फैलाने के लिए भी एक इंटरमीडिएट होस्ट है ये, जैसे कि प्लाज्मोडियम और फाइलेरिया जो डिजीज होती हैं उनमें जो फीमेल मॉस्किटो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करती हैं, जिनसे बीमारी ये वाहक होती हैं बेसिकली, जिसको बीमारी फैलाती है प्लाज्मोडियम फाइलेरिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो प्लाज्मोडियम है, इसको हाइपरपैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब प्लाज्मोडियम हाइपरपैरासाइट कैसे, देखो प्लाज्मोडियम किसके अंदर रहता है, मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो किस पर पैरासाइट करते हैं, मॉस्किटो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स का ब्लड शक करते हैं, तो ये हाइपरपैरासाइट हुआ ना प्लाज्मोडियम, बिकॉज जो इसका होस्ट है मॉस्किटो वो भी एक पैरासाइट है, समझ में आया। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें, लाइक अदर इंसेक्ट्स, और जितने भी इंसेक्ट, जैसे कि हमने हाउस फ्लाई पढ़ा था, हनी भी, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं की तरह जो बॉडी होती है मॉस्किटो की वो डिविजिबल होती है तीन पार्ट्स में। वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, हेड है, थोराक्स है, एब्डोमन है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है इन इंसेक्ट्स का कि इनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं सेशन को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आपको इतना बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड कराती हूँ तो एटलीस्ट एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, जिसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ क्विज कराए जाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हेड बियर्स ए, जो इनका सिर वाला पोर्शन होता है उस पर एक पेयर तो एंटीनी प्रेजेंट होते हैं, एक कंपाउंड आईज वो भी एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं, और माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया हेड वाला पोर्शन, कि हेड पर तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो एंटीनी हुआ, एक कंपाउंड आईज होती हैं, और एक माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एडल्ट मॉस्किटो में, जो एडल्ट मॉस्किटो होते हैं उनमें ओसेली, जिनको कि हम सिंपल आइज़ के नाम से भी जाने जाते हैं, वो टोटली एबसेंट होते हैं। यानी कि जो सिंपल आइज़ होते हैं वो लार्वा स्टेज में तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे एडल्ट स्टेज आती है मॉस्किटो की, ये जो ओसेली कहते हैं जिनको हम सिंपल आइज़ होते हैं, कंप्लीटली एबसेंट हो जाती हैं। लेकिन कॉकरोच और हाउस फ्लाई में जो ओसेल यानी कि सिंपल आइज़ वो प्रेजेंट होती है, हमने हाउस फ्लाई का लेक्चर पढ़ा था उसमें देखा था ना। तो देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको मार करके चला करो कि ओसेल किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, जो थोराक्स है, हम लोग हेड पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं थोराक्स की। थोराक्स जो होता है तीन सेगमेंट में बटा हुआ रहता है, और इन्हीं पर विद वन थोराक्स से ही क्या निकले होते हैं, विद ओनली वन पेयर ऑफ विंग्स, एक पेयर विंग होते हैं इनमें, जो कि कहाँ से निकलते हैं, मीजोथोरासिक से, जो इनका बीच वाला पार्ट होता है ना थोराक्स का, वहाँ से विंग निकले होते हैं। जो मेटाथोरासिक विंग होते हैं, मेटाथोरासिक से भी विंग प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, हेल्टर्स में। देखो हेल्टर्स से हाउस फ्लाई में भी और मॉस्किटो में भी कई बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि हेल्टर्स का ना फंक्शन पूछा जाता है और उनका ओरिजिन भी पूछ लिया जाता है। तो मेटाथोराक्स से एक विंग प्रोड्यूस होते हैं, जो कि डेवलप होते हैं बेसिकली एक विंग, एक पेयर ऑफ विंग्स, लेकिन वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं आगे जाके, हेल्टर्स में। और हेल्टर्स क्या होते हैं, जो कि विच आर बैलेंसिंग एंड साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो हेल्टर्स होते हैं, जब ये फ्लाइट के दौरान
जो मॉस्किटो को बैलेंस, इनकी बॉडी बैलेंस हो उसमें भी हेल्प करते हैं, और दूसरा साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स में भी ये हेल्प करते हैं। मैं एक बार आपको ना स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। मैंने फीमेल एनोफिलीज है ये बेसिकली, ये जनेरा है, एनोफिलीज जो है मॉस्किटो का जनेरा है, उसका स्ट्रक्चर मैंने लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड है, ये है हेड, थोराक्स और एब्डोमेन। ठीक है, हेड वाला पोर्शन देखो, ये हेड है इनका। हेड में क्या क्या पाया जाता है? हेड में देखो एक पेयर तो एंटीनी केरा, एक पेयर तो एंटीनी है, और एक पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिलरी पल्प, और ये होता है इनका प्रोबोसिस। और प्रोबोसिस पर क्या प्रेजेंट है? दो कंपाउंड आइज प्रेजेंट है। और सभी इंसेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनके पास तीन पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं, तो भाई ये रे तीन पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। और ये जो एब्डोमन थोराक्स वाला रीजन है ना, इसमें ब्रिस्टल्स हैं, ये वाले जो ब्रिस्टल्स हैं थोराक्स इन पर प्रेजेंट होते हैं। और ये फीमर है जो कि इनका मतलब अपेंडेजेस बटी हुई है, फीमर हड्डी होती है बेसिकली। और ये टीबिया है, और ये तो थोराक्स वाला पोर्शन, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन, उसको क्या कहते हैं? थोराक्स कहा जाता है, जहाँ से विंग डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं एब्डोमन, जहाँ ये देखो ये टार्सस निकले हुए हैं, ये दो विंग है जिसमें कि ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये होता है बेंडेड एब्डोमन जो कि सेगमेंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मॉस्किटो जो होते हैं ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं, लेकिन पता है इनको पहचानने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीनी एंड मैक्सिलरी पल्प। हमको तो सभी मॉस्किटो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनको पहचानने का तरीका सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, उनके एंटीनी और मैक्सिलरी पल्प की पोजीशन में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसके बेस पर डिफाइन हो जाता है कि ये मेल मॉस्किटो है और ये फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लोगों को बताती हूँ, एंटीना जो होते हैं मेल मॉस्किटो के, जो मेल मॉस्किटो हैं उनके जो एंटीना होंगे वो होंगे प्ल्यूमोज टाइप। प्ल्यूमोज का मतलब पता है क्या होगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेयरी से होते हैं, उनको जो एंटीना पर कुछ जो हेयरी मतलब बाल बहुत ज़्यादा से होते हैं, और उनको ब्रशी टाइप भी होते हैं वो थोड़े से। एंटीना जो होता है मेल मॉस्किटो का, उस पर बहुत ज़्यादा बाल से होते हैं छोटे छोटे से। लेकिन जो फीमेल का होता है वो होता है पाइलोज टाइप, जिसमें कि कम हेयर होंगे और वो भी थोड़े छोटे होंगे। ये पहचानने का तरीका होता है, सबसे पहले तो एंटीनी से पहचाना जाता है। दूसरी बात, जो मैक्सिलरी पल्प होते हैं बहुत बड़े से होते हैं प्रोबोसिस में, दोनों ही सेक्सेस में, लेकिन जो एनोफिली मतलब कि जो मेल होते हैं उनमें ये होते हैं क्लब शेप के। मैक्सिलरी पल्प जो होंगे ये क्लब शेप्ड होते हैं मेल में, और फीमेल में बिल्कुल सिंपल टाइप होते हैं। ठीक है, और एंटीना आपको पता ही चल गया, थोड़ा हेयरी से होंगे तो वो मेल हैं, कम हेयरी होंगे तो वो फीमेल है। तो ये पहचानने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट अगर देखो इनके सेकंड जनरा की हम लोग बात करें, एक है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स से कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। क्यूलेक्स के जो एग होते हैं वर्टिकली तो ये अपने एग देते हैं, वो भी क्लस्टर्स में, एक गुच्छे से में ये एग देते हैं अपने जो क्यूलेक्स होते हैं। इनमें राफ्ट्स बनते हैं, राफ्ट्स में आगे दिखाऊंगी स्ट्रक्चर्स में भी। इनके जो एग होते हैं, देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्यूलेक्स से कि इनके एग किस शेप के होते हैं, तो क्यूलेक्स के एग होते हैं सिगार शेप के, सिगार की शेप के इनके एग होते हैं, और कम से कम 200 से 400 एग देते हैं, वो भी एक गंदे से पानी में। क्यूलेक्स एग देते हैं कितने? 200 से 400 अंडे एक साथ देते हैं, वो भी एक गंदे से पानी में। और ये कैसे होते हैं? बॉटम फीडर। आप लोग जानते होंगे बॉटम फीडर, सरफेस फीडर क्या होते हैं? देखो ये स्ट्रक्चर है, ये क्यूलेक्स का बेसिकली एक लार्वा है। देखो आप ये देख सकते हैं, ये वाटर सरफेस पर यहाँ प्रेजेंट है, ये स्पाइरिकल होते हैं इनके पास, और ये ब्रीथिंग सिफोन है। यही क्यूलेक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके पास सिफोन यानी कि रेस्पिरेटरी सिफोन प्रेजेंट होते हैं। किसके पास? क्यूलेक्स के लार्वी के पास। ठीक है, और ये इनका हेड है, ये थोराक्स है, यहाँ कंपाउंड आइज प्रेजेंट है जिनमें कि ओसीली प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट में जाकर ये खत्म हो जाते हैं, और ये इनके एंटीना है। तो ये तो हुआ क्यूलेक्स का लार्वा। नेक्स्ट इनके पास, अभी हमने बताया था ना, लॉन्ग कॉनिकल रेस्पिरेटरी सिफोन होता है पोस्टीरियर बॉडी के पार्ट में, और प्यूपा कैसा होता है इनका? प्यूपा बिल्कुल कलरलेस होता है। अब हम लोग अगर एनोफिलीज की बात करें, एनोफिलीज वर्ल्ड में काफ़ी अंतर होते हैं। एनोफिलीज के जो एग होते हैं वो लेड किए जाते हैं हॉरिजॉन्टली, और वो भी सिंगली। देखो क्यूलेक्स के एग कैसे, वो एक गुच्छों में एग देते हैं अपना बहुत सारे एक साथ, लेकिन जो एनोफिलीज के एग होते हैं वो हॉरिजॉन्टली तो अपने एग को लेड कराते हैं, वो भी सिंगल तरीके से, वो सिंगली होते हैं। राफ्ट्स नहीं बनते हैं इनमें, ठीक है, इनमें राफ्ट्स बिल्कुल भी नहीं बनते, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और एग जो होते हैं इनके, उनके एग कैसे थे? क्यूलेक्स के सिगार की शेप के, और एनोफिलीज के एग रहते हैं थोड़ा बोट शेप के। उन इनमें क्या होता है, यूजुअली 40 to 100 एग दिए जाते हैं एक साथ, कम से कम 40 से 100 तक अंडे देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश और क्लीन वाटर में। एनोफिलीज की खासियत यही होती है कि वो अपने अंडे हमेशा साफ पानी में देते हैं। और ये कैसे होते हैं? सरफेस फीडर होते हैं। इनके पास रेस्पिरेटरी सिफोन भी एब्सेंट होता है, जो कि क्यूलेक्स के पास क्या था? प्रेजेंट था। ठीक है, बिल्कुल नोट्स प्रॉपर बना के चलना, एक एक लाइन देख लेना अपने कॉपी में, बिल्कुल नोट करते चला करो, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। प्यूपा कैसा होता है इनका? ग्रीन कलर का होता है। और क्यूलेक्स का लार्वा कैसा था? बिल्कुल ही कलरलेस। एक बार मैं आपको एनोफिलीज का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये एनोफिलीज का लार्वा है, बेसिकली आप देख सकते हैं वाटर सरफेस से प्रेजेंट है। ये इनकी कंपाउंड आई है, ये फीडिंग ब्रशेज है, एंटीना है,
ये हेड है, ये थोराक्स वाला पोर्शन, यहाँ पर हेयर टफ्ट्स निकले हुए हैं और ये ट्रेकियल गिल्स हैं। ट्रेकियल यहाँ पे उनकी जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकियल गिल्स, ठीक है, जबकि उनमें क्या थे, रेस्पिरेटरी सिफॉन प्रेजेंट था। अब हम बात करते हैं इनके माउथ पार्ट की। मॉस्किटो के हम लोग माउथ पार्ट की अगर बात करें तो फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं, फीमेल मॉस्किटो कैसे होते हैं, ब्लड शक्कर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फीमेल मॉस्किटो कैसे होते हैं, ये ब्लड शक्कर होते हैं, लेकिन मेल मॉस्किटो एक नेक्टर या फिर जो प्लांट जूस पर फीड करते हैं। फीमेल मॉस्किटो कैसे होते हैं, पायरसिंग और शकिंग माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब पहले भेद देते हैं और फिर उसको शक करते हैं, यही तो होता है। मेल जो होते हैं, मेल फीड ऑन अ नेक्टर, प्लांट के जूस को नेक्टर कहा जाता है, उस पर मेल फीड करते हैं, हैव ओनली शकिंग माउथ पार्ट। इनके पास पायरसिंग टाइप माउथ पार्ट नहीं होते, यानी कि भेदने का काम नहीं करते, ये सिर्फ शक करने का काम करते हैं, और फीमेल के पास भेदने की क्षमता होती है, इसलिए वो पायरसिंग टाइप होते हैं। माउथ पार्ट फाउंड इन बोथ सेक्स, ये सक्सेस नहीं है, सेक्स है, सही कर लेना, माउथ पार्ट दोनों सेक्स में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं इनके पास माउथ पार्ट, जो है लेब्रम प्लस है, एपिफेरिंग जो कि अपर लिप बनाते हैं, लेबियम और इसके दो लेबिली क्या बनाते हैं, प्रोबोसिस बनाते हैं। अब एक बार अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कि माउथ पार्ट फीमेल के कैसे होते हैं और मेल के क्या क्या हैं। तो माउथ पार्ट जो फीमेल के हैं, एक तो होता है हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स बेसिकली है क्या, एक इंजेक्शन की तरह का, इनके निडल की शेप पर एक हाइपोफेरिंग्स है जिसमें कि सलाइवरी डक्ट प्रेजेंट है और इसकी जो सलाइवा होती है उसमें एक एंटी कोएगुलेंट मटेरियल प्रेजेंट रहता है। मैंडिबल्स और मैक्सिली दोनों ही कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, तो तीन चीज़ें इनके पास पाई जाती हैं। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि माउथ पार्ट मेल का क्या क्या है। हाइपोफेरिंग्स होता है जो कि थोड़ा कम डेवलप्ड है और वो फ्यूज़ कर जाता है लेबियम के साथ, तभी तो ये वर्टिब्रेट्स का ब्लड शक नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास जो इनके माउथ पार्ट है वो थोड़ा अच्छे से डेवलप नहीं है। मैंडिबल्स तो कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं। हमने याद रखना है कि जो मेल मॉस्किटो हैं उनके पास मैंडिबल्स एबसेंट होते हैं, मैक्सिली होते हैं लेकिन बहुत ही रिड्यूस ही कंडीशन में, ठीक है, तो याद रखना है। तीनों ही चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं हम लोग, दैट इज़ लाइफ साइकिल। अब एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं। मेल और फीमेल मॉस्किटो जब भी ये कॉपुलेट करते हैं, हमेशा कब करेंगे, जब ये फ्लाइट मतलब जब उड़ रहे होते हैं, जब इनके बीच कॉपुलेशन देखा गया है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो हमेशा ये मतलब कि ठहरे हुए पानी में देते हैं, जो इनके फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको ये कहाँ देते हैं, एक ठहरे हुए पानी में। मॉस्किटो अंडरगोज ए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, बिकॉज लार्वा प्यूपा देन इमेगो, तीन स्टेज होते हैं, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मॉस्किटो में देखा जाता है। तो लार्वा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लार्वा जो होता है मॉस्किटो का, उसको रिगुलर के नाम से जाना जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हाउस फ्लाई का लार्वा कौन सा था, कल ही हमने पढ़ाया था। तो लार्वा जो होता है मॉस्किटो का, उसको रिगुलर के नाम से जाना जाता है। इनका कई बार लार्वा पूछा गया है, तो रिगुलर क्या होता है, मॉस्किटो का लार्वा है। रिगुलर बेसिकली है क्या, फ्री स्विमिंग एक लार्वा है जो कि एक्वेटिक मतलब पानी में ही रहता है, जिसमें कि रिगलिंग मूवमेंट देखी जाती है। बॉडी वही तीन पार्ट में डिवाइड है, थोराक्स एंड जिसमें कि थोराक्स में लार्वा कंडीशन में लेग नहीं होते हैं, एब्डोमन में 9 सेगमेंट में इनका एब्डोमन बटा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें, इनका जो हेड होता है उनमें एक पेयर तो कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं और एक पेयर सिंपल आइज प्रेजेंट होती हैं। यही आइज जो हैं एडल्ट स्टेज में जाकर खत्म हो जाती है, यानी कि एब्सेंट इन एडल्ट मॉस्किटो सिर्फ कब प्रेजेंट होती हैं, जब ये लार्वल कंडीशन में होते हैं, और एक पेयर छोटे से एंटीना इनके पास प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलर की लाइफ स्पेन कितनी है, यानी कि रेगुलर कितने टाइम तक होता है। रेगुलर जो है इसकी लाइफ स्पेन होती है 3 से 4 दिन की, उसके बाद जाकर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बात याद रखना है, इफ़ ऑल वाटर रिजर्वोर जैसे कि जितने भी तालाब वगैरह हैं ये सुखा दिए जाएं, गेट ड्राई चांस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट, तो मलेरिया के जो पैरासाइट हैं उनका ग्रो करने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही हद तक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो लार्वा स्टेज होती है मॉस्किटो की वो खत्म हो जाएगी, उसके खत्म होने के सबको पानी में फीड कर पाते हैं ये, कॉजिंग नो सर्वाइवल ऑफ मॉस्किटो। तो कोई भी मॉस्किटो फैलेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हमारे सारे तालाब वगैरह सुखा दिए जाएँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं क्योंकि फिश भी तो रहती हैं। स्प्रेइंग ऑफ ऑयल, यदि हम किसी तालाब वगैरह में ऑयल का छिड़काव कर दें ठहरे हुए पानी में, तो कंट्रोल्स मलेरिया, मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज मॉस्किटो लार्वी कैन नॉट ब्रीथ एंड डाई। जब हम उसमें ऑयल स्प्रे कर देंगे तो ये मॉस्किटो के लार्वी होते हैं ये सांस नहीं ले पाएंगे और ये वहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक फिश भी ऐसी जो कि लार्वा को फीड करती है, फिश कैन बी यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो इज गैम्बूसिया, जो गैम्बूसिया फिश है इसका कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गैम्बूसिया फिश जो है बेसिकली लार्वी फीडर है, ये मॉस्किटो के लार्वा पर फीड कर दे, तो उसको अगर छोड़ दीजिए किसी तालाब वगैरह में तो ये सभी मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। प्यूपा जो होता है मॉस्किटो का, उसको टम्बलर के नाम से जाना जाता है। हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, रेगुलर किसे कहते हैं, लार्वा को, और प्यूपा जो कि रूपांतरित हो जाता है लार्वी किस में, प्यूपा में, प्यूपा किसे कहते हैं, टम्बलर है। मॉस्किटो का प्यूपा क्या कहलाता है, टम्बलर। टम्बलर की लाइफ स्पेन होती है कम से कम 2 से 7 दिनों की। फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं कम से कम 1 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब जीवित रह सकते हैं,
और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेल इज़ अबाउट अ वीक। लेकिन जो मेल होते हैं वो कम से कम बस सिर्फ एक सप्ताह ही जीवित रह पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जॉनस्टन ऑर्गन जो होते हैं, जॉनस्टन ऑर्गन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक बायोलॉजिस्ट के नाम पर ये नाम पड़ा था, जॉनस्टन ऑर्गन जो है बेसिकली ये सेकेंड सेगमेंट जो होता है ना एंटीनी का, एंटीनी है ये, एंटीनी जो है उसका सेकेंड सेगमेंट पर जॉनस्टन ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल मॉस्किटो में जॉनस्टन ऑर्गन जो है ये क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स लोकेट फीमेल्स बाई फ्लाइट टोन। ठीक है, मॉस्किटो के दौरान मतलब मॉस्किटो कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं बेसिकली, वो कौन कौन सी है, पर ये भी देख लेते हैं। मलेरिया फैलाते हैं, फाइलेरिसिस फैलाते हैं, एनसीफेलिटिस, डेंगू फीवर, येलो फीवर, ये सभी डिजीज़ को ये मॉस्किटो फैलाने का काम करते हैं। तो पूरा सेशन हम लोग ले चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं मॉस्किटो से वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ लाइक करना चैनल को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सभी लोग सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।